फिल्म बनाने वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया, लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाकये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी, और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए। तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते हो? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले। तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है, और हम कहते हैं ना माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं। शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें। लेकिन हमारी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उस शेर कश्मीर के सिपाही हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने हमें ये नारा दिया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद। हम उस बात पे कायम हैं और उस जम्मू कश्मीर को हम दोबारा कायम देखना चाहते हैं कि भाईचारे को और मजबूत किया जाएगा, जख्मों पे मरहम लगाया जाएगा, एक पुराने जम्मू कश्मीर को एक नई जिंदगी मिलेगी। हमें कहा था कि दिल की दूरी जो है उसको कम किया जाएगा, लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि एक पूरे कौम को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कितना अफसोस, आम कश्मीरी इस बात से खुश नहीं है कि 32 साल पहले क्या हुआ। आम कश्मीरी इस बात से खुश नहीं है कि लोगों को अपने घरों से निकाल के वाड़ी के बाहर भेजा गया, लेकिन आम कश्मीरी ने भी इसमें कोई रोल अदा नहीं किया था। आज एक तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि सारे कश्मीरी जो है वो फिरका परस्त है, सारे कश्मीरी जो है वो दूसरे मजहब के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। कोशिश की जा रही है कि दुनिया भर में कश्मीरी जो है वो बदनाम हो। अरे इससे हासिल क्या होगा? क्या ये करके हम लोगों के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं जिनको घर वापस लाने की बात हो रही थी? क्या ये करके हम उनकी घर वापसी और ज्यादा आसान बना रहे हैं? मुझे डर इस बात का है कि जो नफरत आज कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ पैदा की जा रही है, खुदा ना खास्ता हमारे जो बच्चे इस रियासत के बाहर पढ़ रहे हैं, कहीं इसका खामियाजा हमको ना भुगतना पड़े। 18
20, 21, 22 साल के बच्चे, उन्होंने तो तब जन्म नहीं लिया था जब ये हालात बने थे जम्मू कश्मीर में। आज मुझे उनके माँ बाप के मैसेज आ रहे हैं कि मुझे लगता है मैं अपने बच्चों को वापस लाऊं, मुझे डर है कहीं हमारे बच्चों को निशान गए, हम बदल गए। और जब मुझे पूछा जाता है किस बुनियाद पर, क्या आपने पटवार हल के लिए, क्या आपने ब्लॉक देखे, क्या आपने तहसील या न्यायालय के लिए, कोई जवाब नहीं। कहा कि हमने अलग अलग चीजें देखी, सिर्फ आबादी की बुनियाद पर फैसला नहीं हुआ। आप बिल्कुल हम ही जानते हैं क्योंकि पहाड़ के उस तरफ आपने सिर्फ और सिर्फ बजट देख के फैसले लिए। मकसद इनका यही कि कम से कम सीटें